हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये वीडियो व्लॉग होने वाली है क्योंकि मैंने पूरे अपने सैटरडे और संडे को रिकॉर्ड करना है। आज मेरा वर्किंग सैटरडे था, नॉर्मली नहीं होता। लास्ट फ्राइडे बारिश की वजह से, दुबई में बहुत तेज़ बारिश थी तो हमारी छुट्टी हो गई थी, इस वजह से आज हमारा वर्किंग सैटरडे था मगर हाफ डे था। तो आज के दिन में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आप सबसे शेयर करूँगी। ये बहुत यूज़फुल भी होने वाला है क्योंकि जितने भी लोग नए हैं यूएई में या आने वाले हैं ना, उन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, इतनी ज़्यादा नई चीज़ें होती हैं, रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है। सो आई थॉट कि एक वीडियो रिकॉर्ड करूं। तो हमारी आज शिफ्ट स्टार्ट हुई थी 9 बजे सुबह और 2 बजे आज ऑफ टाइम था, तो बस अब घर जाना है। मगर उससे पहले यहाँ पे बहुत मज़े के नूडल्स मिलते हैं, वो पिक करने हैं क्योंकि आज घर जल्दी चली जाऊँगी। तो सबसे पहले नूडल्स ले लेते हैं ताकि घर जाने की एक मोटिवेशन हो, क्योंकि घर वाले तो हैं नहीं घर पे। तो अब हमने ये खाना ले लिया है, घर जाके फ्रेश होके खाना खाऊंगी, साथ में अम्मी अब्बू से बात करनी है। मुझे ना यहाँ पे बस घर जाने का यही होता है कि घर पे जाके बस मम्मा पापा से वीडियो कॉल पे बात करूं, घर वालों से बात करूं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और आज तो मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, रूममेट्स हैं जो भी, तो वो घर पर नहीं होंगी, तो घर हमें खाली बिल्कुल मिलेगा। तो सब कुछ करने के बाद मैं सोऊंगी। ये एरिया आप चेक करें, कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत एरिया है ये। और यहाँ से ना बुर्ज खलीफा भी दिखता है, छोटा सा दिख रहा है मगर कितना अच्छा है ये, हमेशा हर जगह से दिखता है यहाँ पे ना दुबई में। ओके, तो ये बस स्टॉप है, यहाँ से बस लेके हमें पहले मेट्रो स्टेशन जाना है और फिर मेट्रो स्टेशन से आगे जाना है। सो लेट्स गो विद मी। ये सब अपने अपने नोल कार्ड लगाएंगे, यहाँ पे स्कैन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना टिकट्स वगैरह नहीं होते, लोग नोल कार्ड अपना स्कैन करते हैं और उसके बाद अपनी अपनी सीट्स पे बैठ जाते हैं। ये अभी तो बहुत ज़्यादा कोई भी बिल्कुल रश नहीं है, मगर ये शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा रश होता है। अब ये हम आ गए मेट्रो स्टेशन पे, ये है बाहर से मेट्रो स्टेशन, अभी मैं अब आपको अंदर से दिखाऊंगी। ये अंदर से मेट्रो स्टेशन है, मगर अभी मेरे नोल कार्ड में इतने पैसे नहीं है कि मैं मेट्रो में सफ़र कर सकूं, तो सबसे पहले हमें उसको चार्ज करवाना पड़ेगा। यहाँ पे एक मशीन होती है, टिकट लिखा हुआ होता है ऊपर, और आप वहाँ से अपना नोल कार्ड चार्ज करवा सकते हैं। इसका पूरा मैं तरीका आप लोगों को दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये जहाँ नोल कार्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे अपना नोल कार्ड सिर्फ आपको रखना है, ठीक है। रखने के बाद ये आपसे पूछेगा कार्ड टॉपअप या फिर कार्ड सर्विसेज, आपने कार्ड टॉपअप पे क्लिक करना है। ये आपको सारे ऑप्शन देगा, 5 दरम, 20 दरम, 10 दरम, मैंने 20 दरम पे क्लिक किया। अब नीचे ना जिस तरह से कैश मशीन में होता है ना, ATM में जहाँ से हमें पैसे मिलते हैं, वहाँ पे हमें यहाँ पे पैसे डालने हैं सीधा करके, नोट ना आप अंदर की तरफ डाल दो तो यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाता है। फिर हमने प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक किया और उसने हमें नीचे वो स्लिप दे देगा, ठीक है। इस तरह से हमें पता लग जाएगा कि सक्सेसफुली हो गया है हमारा कार्ड चार्ज। उसके बाद ये जो कार्ड्स है ना, जैसे ये डोर्स हैं, अगर आपके नोल कार्ड में पैसे नहीं होंगे तो ये नहीं खुलेगा, मगर अभी था, मैंने स्कैन किया और बस खुल गए गेट्स। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि ना मेट्रो कौन कौन से स्टेशन पे जाएगी और वो हमें कौन से प्लेटफॉर्म से मिलेगा। मेरी मेट्रो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी और वो ऊपर है, तो मैं ऊपर जा रही हूँ। और अभी आप लोग देखिएगा कि मेट्रो में कितना ज़्यादा रश है, अभी तो फिर बहुत कम है। जो नॉर्मली होता है ना रश, वो ऐसा होता है कि लोग अपनी सांस रोक के अंदर खड़े होते हैं, तब भी जगह नहीं बन रही होती। आज तो फिर बहुत कम है और ये हालत है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मेट्रो हमने ले ली, उसके बाद हमने डेरा से अपने घर तक की बस भी ले ली और हम फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गए हैं। अभी इस टाइम कोई भी नहीं होगा घर में, क्योंकि जिन लोगों का ऑफ़िस नहीं है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर गई हुई हैं, और जिन लोगों का ऑफ़िस है वो ऑफ़िस में होंगे। बस एक फ्लैटमेट है जो कि घर पे है और वो अपने रूम में होगी। पूरे फ्लैट में अंधेरा है और बहुत सुकून से अब मैं सोने वाली हूँ जाके। मगर उससे पहले देन आई डिसाइडेड कि भाई रूम पहले चिल कर लेते हैं सही से, मगर अपना कपड़े भी धोने। ये मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी कल फ्लाइट थी, वो चली गई है, बट वो मेरे लिए ये एलिमेंट्स छोड़ के गई है, चॉकलेट्स और एलिमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें। चलो भाई अब कपड़े धोने चलते हैं। चाउमिन भी ले आई, वो भी यहीं गर्म कर लेते हैं। किचन में ही है मेरी वॉशिंग मशीन और ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसको मैं अभी आपको चलाना भी बताती हूँ। वैसे जिनको आता है वो स्किप कर दें, बाकी देखें कुछ भी नहीं करना होता, बस कपड़े लाने होते हैं, सीधे करने होते हैं, डोर खोल के आपने अपने सारे कपड़े अंदर रखे, ठीक है। इसकी फिटिंग ऑलरेडी उससे हुई हुई होती है, पाइप से, बस आपको नल चलाना होता है, ठीक है।
ये इसकी ड्रॉअर होती है एक तरह से, उसको निकाल लो और जो फर्स्ट इसका सेक्शन होता है वहाँ पे आप अपना सर्फ डाल दो, और ये जो थर्ड वाला है वहाँ पे आप अपना कंफर्टर या जो भी आपने डालना है ना वो आप डाल दो। उसके बाद आपने इसको पहले स्टार्ट करना होता है एंड देन आपको इसको टाइमर सेट करके इसकी आपको कंडीशन वो सेट करनी होती है जो नॉर्मल मशीन में भी होती है ना कि क्विक वॉश या डेली वॉश। चलो भाई अब चाउमीन गरम करते हैं, पैन लिया और अब हम चाउमीन। अच्छा मज़े की बात ये मैं आपको इसकी शक्ल अभी नहीं दिखा रही, वो सही नहीं लगेगा वीडियो में, मगर वो बहुत टेस्टी है, टेस्ट में बहुत ज़्यादा भी। मैं दिखाती हूँ, वेट ये देखो। अब सोच रहे होगे कि अरे इस चाउमीन के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट मैंने खाया है, आई नो कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, रात को मैं मस्जिद जाऊँगी बट वो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी बिकॉज दैट टाइम आई एंजॉय द मोस्ट, वहाँ जाके जितना सुकून मिलता है ना और किसी चीज़ में नहीं है, ज़िंदगी की भाग दौड़ से बिल्कुल अलग। तो फॉर नाउ बस खाना खा के मैं सो रही हूँ, रात को मैं मस्जिद जाऊँगी, वापसी में चाय पीऊँगी और आधा चाउमीन जो कि मैंने बचा लिया वो भी खाऊंगी। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो एंड जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस, और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लेट मी नो, मैं और व्लॉग्स बनाऊंगी क्योंकि मुझे अच्छा लगा आज का व्लॉग बना के। बाय।